गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी सपना मैडम। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा एक की किताब सहज जो आप लोगों के लिए आई है कविता कहानी की, उसमें से मैं आज आप लोगों को पाठ पाँच जिसका नाम है दो चींटियाँ। बच्चों, आप लोग चित्र को ध्यान से देखिए, ये दो चींटियाँ हैं, देख रहे हैं दो चींटियाँ। इसमें देखिए बच्चों, एक चींटी किस रंग की है? लाल। दूसरी चींटी किस रंग की है? काली। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इन्हीं चींटियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और क्या है, कहानी को याद कर लीजिएगा और जब विद्यालय आइएगा तो मुझे ज़रूर सुनाइएगा। एक लाल चींटी थी, एक काली चींटी थी। लाल चींटी कैसी थी बच्चों? लाल, देखिए मेरे कपड़े में ये लाल रंग है। और एक काली चींटी थी। काली कैसी? ये जो मेरा ये जैकेट है, ये काली, एक चींटी काली थी और एक चींटी कैसी थी? लाल। ठीक है बच्चों। लाल चींटी चावल का दाना लाई, काली चींटी दाना चट कर गई। कौन दाना चट कर गई? काली चींटी। और चावल का दाना कौन लाई थी बच्चों? लाल चींटी। देखिए चित्र में, आप लोग देखिए, ये देखिए चावल का दाना लाल चींटी ला रही है। काली चींटी चीनी का दाना लाई, लाल चींटी दाना चट कर गई। तो अब काली चींटी किसका दाना लाई? देखो चीनी का। देखिए बच्चों, ये देखिए चित्र में, काली चींटी चीनी का दाना लाई। अब उसको क्या की, लाल चींटी जो थी वो दाना चट कर गई चीनी का। खाना कम था, वे दोनों भूखी रह गई। खाना कम होने की वजह से बच्चों वो दोनों बेचारी भूखी रह गई। मुझे आशा है बच्चों आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए थैंक यू बच्चों।